हालेलुया, जय मसीह की एंड वेलकम बैक। आज हम यहूदा की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। दो सेशन हम कर चुके हैं, अब हम तीसरे सेशन की ओर चलते हैं। मैंने आपको यहूदा की पत्री में से बताया, यहूदा परमेश्वर के एक अद्भुत दास का ये पत्री लिखने का मकसद क्या था। वो एक साधारण पत्री लिखना चाहता था, लेकिन उसने कलीसिया के अंदर कुछ खतरनाक बातें देखी, तो उसने उस खतरनाक प्रैक्टिस, झूठी शिक्षा की, झूठे प्रेरितों की, झूठे नबियों की, झूठी शिक्षा देने वालों की, उस प्रैक्टिस को एक्सपोज करने के लिए इस पत्री को गहराई में लिखा। तो हमने देखा कि वो झूठे शिक्षकों को एक्सपोज करता है, और दूसरा कारण जो पत्री लिखने का है, वो विश्वासियों को दिलेरी देता है, सांत्वना देता है, एनकरेज करता है कि वो विश्वास के लिए कंटेंड करें। अंग्रेजी में लिखा है, विश्वास के लिए युद्ध करें। इपागिनोजेमेई ग्रीक वर्ड है, इपागिनोजेमेई, जिसका जहां से अंग्रेजी का वर्ड निकलता है एगोनाइज करना। एगोनाइज, एक ब्लडी बैटल होती है ना, जैसे दो बॉक्सर लड़ते हैं एक दूसरे के साथ और एक खून भरा युद्ध होता है और अंत में एक जीत जाता है। इस तरह युद्ध करें विश्वास की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए नहीं, विश्वास। ये विश्वास आस्था नहीं है, ये विश्वास मनुष्य के विचारों की परंपरा नहीं है, ये विश्वास एक व्यक्ति है, ये विश्वास एक स्पिरिचुअल एंटिटी है। उसकी रक्षा के लिए कंटेंड करें। और मैंने आपको बताया कि शुरुआत कैसी भी क्यों ना हो, आपका अंत बिल्कुल सही फिनिश लाइन पे होना चाहिए। निशाने की ओर आंख लगा के धैर्य से दौड़ते जाएं और सही दौड़ दौड़े, सत्य के पथ पे चलते हुए सकरे मार्ग में से प्रवेश करें प्रतिदिन। सकरे मार्ग पे, नैरो वे, नैरो गेट, स्ट्रेट गेट, और नैरो पाथ पे, तंग फट मार्ग पे चलें प्रतिदिन। क्रूस को उठा के, शरीर शरीर की वासनाओं को क्रूस पे चढ़ा के, अपने आप का इनकार करके प्रभु के लिए प्रतिदिन जिए और निशाने की ओर दौड़ते चले जाए। तो वचन में यहूदा मिसाल देता है उन लोगों की जिन्होंने दौड़ शुरू की, अच्छी दौड़ दौड़े शुरुआत में, लेकिन निशाने पे नहीं पहुंचे, जिन्होंने मोक्ष खो दिया, उद्धार खो दिया, परमेश्वर के अनमोल वरदान को, मुक्ति के वरदान को खो दिया और वो निशाने पे नहीं पहुंचे। तीन ऐसी मिसालें यहूदा अपनी पत्री में लिखता है। उसके यहूदा की पत्री के पांचवें वचन में वो पहली मिसाल बताता है, मिस्रियों के देश में गुलाम रहने वाले यहूदियों की। इसराइली जो मिस्र में गुलाम थे, दास बन के रहते थे, स्लेव बन के रहते थे, यहोवा ने अपने महाप्रतापी हाथ को बढ़ा के मिस्र के 43 देवताओं का न्याय किया। मिस्र के 43 देवताओं को झुका दिया यहोवा ने, और अपनी प्रजा को यहोवा परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी में से छुड़ा लिया। हालेलुया। कुछ बाइबल के विद्वान मानते हैं, हालांकि बाइबल में 600,000 से कुछ अधिक गिनती दी गई है पुरुषों की, लेकिन ये पुरुष वो होते थे जो लड़ाई के मैदान में जा सकते थे। बहुत से बाइबल के विद्वान मानते हैं जो लोग मिस्र की गुलामी में से निकले वो 25,00,000 से 30,00,000 के बीच में थे, 2.5 से 3 मिलियन के करीब। एक बड़ा हजूम निकल आया और उनके जानवर उनसे 10 गुना ज्यादा थे, शायद 3 करोड़ के करीब उनके जानवर थे, भेड़ें, बकरियां, गायें, कैमल, ऊंट, खच्चरे, सब कुछ लेके, और मिस्र का सोना चांदी सब कुछ लेके अपने संग मिस्र को लूट के निकल पड़े। हालेलुया। आप देखिए, यहोवा परमेश्वर जलाल का बादल बन के उनके ऊपर उतर आया, आग का खंभा बन के रात को उनके बीच में चलता था। यहोवा परमेश्वर एक चट्टान में से उन्हें पानी पिलाता था। पहला कुरिन्थियों 10:4 में प्रेरित पौलुस कहता है वो चट्टान कोई और नहीं, खुदावंद यीशु मसीह था। परमेश्वर स्वर्ग को खोलता था और मन्ने को बरसाता था, मन्ने की बारिश होती थी, वो मन्ना स्वर्गदूतों का खाना था। आपको मालूम, पूरे का पूरा मन्ना उनकी बॉडी में कंज्यूम हो जाता था। हालेलुया। और वो कोई बीमार नहीं,
कोई मांदा नहीं, किसी को एलर्जी नहीं हुई, किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ, किसी के हेडेक नहीं हुई, किसी की किडनी में प्रॉब्लम नहीं, किसी को डायबिटीज नहीं हुआ, किसी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हुआ, किसी की हड्डी नहीं टूटी। प्रभु ने उनकी रक्षा की 40 वर्ष तक, अलौकिक रीति से उनके संग था, स्वर्ग से खिलाता था, स्वर्ग से ही परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था। 40 वर्ष परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। वो निकले मिस्र में से अलौकिक रीति से, चल रहे थे, उस दौड़ दौड़ रहे थे, लेकिन क्या हुआ? प्रभु क्या कहता है, पढ़िएगा भजन संहिता 95:10। प्रभु कहता है, 40 साल मैं इनसे नाराज था, आई वॉज एंग्री विद देम 40 ईयर्स, क्योंकि वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, वो परमेश्वर के विरोध में अपशब्द बोलते थे, वो विश्वास रहित हठीली कौम थी जिनकी गर्दनें बड़ी सख्त थी। प्रभु परमेश्वर के अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार उनके बीच में होते थे। वचन में लिखा है, प्रभु उकाब के पंखों पे उन्हें उड़ा के लिए जाता था। वचन में लिखा है, प्रभु ने लाल समुद्र को फाड़ा, अपनी प्रजा के लिए रास्ता तैयार किया, फिराउन और फिराउन के रथ सवारों को महासमुंदर में यहोवा परमेश्वर ने नाश कर दिया, ओग और बशान राजा को यहोवा ने मारा, यहोवा शक्तिशाली रूप में अपनी प्रजा के संग था, चमत्कार करता था, साइन एंड वंडर करता था, अद्भुत काम करता था, लेकिन फिर भी 40 साल यहोवा उनसे नाराज था। आप साइन एंड वंडर की बात करते हैं, चमत्कार मिरकलों की बात करते हैं, आप हो सकता है प्रभु तो भी आपसे नाराज हो। 40 साल उन्हें खिलाता था स्वर्ग से, 40 साल स्वर्ग से रक्षा करता था, 40 साल एक चट्टान उनके बीच में उड़ के चलती थी, 40 साल बादल उतरता था जलाल का, 40 साल आग का खंभा उतरता था, तो भी जबूर 95:10 में लिखा है, प्रभु कहता मैं इनसे 40 साल नाराज था। प्रभु नाराज हो आपसे तो भी आपको बरकतें दे सकता है, तो भी चमत्कार कर सकता है, धोखा मत खाना। क्या प्रभु आपसे प्रसन्न है? यीशु मसीह की गवाही स्वर्ग से दी पिता ने और कहा, ये मेरा प्यारा पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। क्या आप प्रभु को प्रसन्न करते हो अपने जीवन से? क्या आप प्रभु के दिल को खुश करते हो अपने जीवन से? क्या आपकी जीवन शैली ऐसी है कि आप प्रभु को प्रसन्न करो? क्या आप मन, कर्म, वचन के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करते हो? आपका चाल चलन उसे भाता है? क्या आप परमेश्वर के कलाम को लिव आउट कर रहे हो, जी रहे हो परमेश्वर के वचनों को? प्रभु ने कहा इब्रानियों 3:11 में, प्रभु ने कहा, मैंने अपने गुस्से में कसम खाई है कि ये लोग कभी भी मेरे आराम में दाखिल नहीं होंगे। 30 लाख के करीब लोग दौड़ दौड़ने निकले, लेकिन दो गए उनमें से, यहोशुआ और कालेब। 40 सालों में प्रभु ने कहा, वो कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, उन्होंने जासूस भेज दिए। वो जासूस प्रभु यहोवा ने नहीं कहा था, प्रभु ने कहा अमोरियों का देश आ गया है, तुम इसे जाके इसको हासिल करो, जाओ और मेरे नाम में इसको अपने कब्जे में ले लो। लेकिन वो गए नहीं, उन्होंने जासूस भेजे। पढ़िएगा आप व्यवस्था विवरण 1:22। जासूस भेजने का विचार यहोवा का नहीं था, यहोवा ने आज्ञा नहीं दी जासूस भेजने के लिए। मूसा कहता है व्यवस्था सार 1:22 में कि तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे ये आइडिया दिया और हमने जासूसों को भेज दिया। तो 10 जासूस बुरी खबर लाए, क्योंकि दैंत देखे उन्होंने, बड़े बड़े वृक्ष के जितने लंबे थे वो दैंत, दानव। और उन्होंने आपको मालूम क्या कहा? उन्होंने कहा, श्योरली दिस इज द लैंड दैट ईटेथ अप इट्स इनहैबिटेंट्स। ये वो धरती है जो लोगों को खा जाती है, यहां पे तो बड़े बड़े दानव हैं, हम तो टिड्डों की तरह हैं। हरे रंग के टिड्डे निकलते हैं ना बरसात के दिनों में, ग्रास हॉपर कहते हैं अंग्रेजी में, हम उन टिड्डों की मानिंद हैं। वो बुरी खबर लेकर आए और उस बुरी खबर से उन्होंने पूरी इसराइलियों की मंडली में डर फैला दिया, यहोवा का अपमान किया, उन्होंने अविश्वास का बीज बोया, डर का बीज बोया। यहोवा कह रहा, जाओ जाके ले लो, कब्जा कर लो, हालेलुया। लेकिन उन्होंने जासूस भेजे, तो प्रभु ने क्या कहा? उन्होंने कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, प्रभु से कहते थे हम तो मिस्र में अच्छे थे, प्रभु कहता ठीक है मैं मिस्र तुम्हें वापिस देता हूं। साइनाए पेनिनसुला में 40 वर्ष भटकते रहे वो, 40 वर्ष, 25 से 30 लाख के करीब लोग
40 साल प्रभु ने भटकाया और 40 सालों में उन्हें मार दिया। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे बाप दादों ने उजाड़ में उतरता हुआ मन्ना खाया, लेकिन वह सब मर गए और उनकी कब्रें वहीं बनी हुई हैं। हालेलुया। ये निकले दौड़ दौड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने दौड़ पूरी नहीं की। 40 साल क्यों लगाए प्रभु ने? 40 साल में एक नई पीढ़ी पैदा की प्रभु ने। प्रभु उन्हें लेके गया। पुरानी पीढ़ी के दो व्यक्ति गए, यहोशुआ और कालेब और उनके घराने। एक नई पीढ़ी गई जिनकी उम्र 40 साल से कम थी। जो बच्चे उनके मरुभूमि में पैदा हुए वो गए वायदे की धरती में। क्यों? बिकॉज दे अलाउड ईवल टू ओवरटेक देयर माइंड। दे डिडंट वॉन्ट टू गो विद गॉड। उनके मनों को शैतान ने आहेर कर लिया। हालेलुया। अद्भुत काम हुए। स्वर्गदूतों ने युद्ध लड़े उनके लिए। लाल समुंदर फट गया, मन्ना बरसा। हालेलुया। अबदी चट्टान बीच में उन्हें पानी पिलाती थी, आग का खंबा उतरता था, जलाल का बादल। सब चमत्कार देखने के बाद भी मर गए। और प्रभु ने कहा मैं 40 साल इनसे नाराज था। चमत्कार, अद्भुत काम, साइन वंडर देखने के बाद भी प्रभु कहता मैं तो 40 साल इनसे नाराज था। और वो कहते होंगे आई एम सुपर ब्लेस्ड। प्रभु कहता मैं इनसे नाराज था। क्यों? क्योंकि इन्होंने शुरू तो अच्छा किया लेकिन अंत अच्छा नहीं किया। यहूदा मिसाल देता है, दे डिड नॉट कंटेंड फॉर फेथ। वो ईमान में खड़े नहीं रहे। यहूदा कहता अपने ईमान की रक्षा करो। दो बातों के लिए पत्री लिख रहा है, एक झूठी शिक्षा को बेनकाब करने के लिए और दूसरा विश्वास की रक्षा की जाए। इन इसराइलियों ने विश्वास की रक्षा नहीं की और मरुभूमि में मर गए, वायदे की धरती नहीं पहुंचे। दूसरी मिसाल किन की देता है? छठा वचन, एंड द एंजल्स विच केप्ट नॉट देयर फर्स्ट स्टेट। ये वो दूत हैं जो हरमन पहाड़ पे उतरे। हनुक की एक पुस्तक है जो बाइबल में नहीं है, लेकिन बाइबल में उससे हवाले लिए गए हैं तीन चार जगह। इवन गॉस्पल में भी कुछ हवाले हैं जो हनुक की पुस्तक से लिए गए हैं। तो ये वो स्वर्गदूत हैं जिन्होंने स्त्रियों के संग संबंध बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में मनुष्य के डीएनए को करप्ट किया, सीड मिंगल किया, मिक्स सीड किया। और वचन में लिखा है यहोवा के विरुद्ध विद्रोह किया, बट लेफ्ट देयर ओन हैबिटेशन। दे डिड नॉट, यहां पे लिखा केप्ट नॉट देयर फर्स्ट एस्टेट। वो अपनी उस अवस्था में, जिस अवस्था में इन वॉचर को, इन्हें अय्यार कहा गया इब्रानी भाषा में, ये खास किस्म के दूत थे। इन्होंने अपनी उस अवस्था में अपने आप को कायम नहीं रखा, लेकिन अपनी हैबिटेशन छोड़ दी इन्होंने और परमेश्वर की मनसा के विरुद्ध जाके अधर्म का काम किया। तो क्या लिखा है, ही हैथ रिजर्व्ड इन एवरलास्टिंग चेन्स। उन्हें जंजीरों से बांध के टार्टरस में, यूनानी भाषा का शब्द है टार्टरस, एक ऐसी जगह है जमीन के नीचे, वहां इन्हें बांध के अंधकार में, अंधकूप में यहोवा परमेश्वर ने उस न्याय के दिन के लिए रखा हुआ जब इनका न्याय होगा। ये वह दूत हैं जिन्होंने विश्वास की रक्षा नहीं की। फॉलन एंजल्स इन्हें कहा गया है, जिनसे नफलीम पैदा हुए, जिनके द्वारा गिब्रीम और जिगंटिस पैदा हुए। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में दूसरी मिसाल यहूदा इनकी देता है कि ये गिर गए, इन्होंने ईमान की रक्षा नहीं की, विश्वास में कायम नहीं रहे। तीसरी मिसाल यहूदा यीशु मसीह का दास किनकी देता है? सातवां वचन, इवन साडम एंड गमोरा एंड द सिटीज अबाउट देम इन लाइक मैनर गिविंग देमसेल्व्स ओवर टू फर्निकेशन एंड गोइंग आफ्टर स्ट्रेंज फ्लैश आर सेट फोर्थ एज एन एग्जाम्पल सफरिंग द वेंजेंस ऑफ इटर्नल फायर। प्रभु के वचन में लिखा सदोम और गमोरा और उनके आसपास के शहर जिन्होंने अपने आप को व्यभिचार के लिए दिया, शरीर के गंदे कामों के लिए, शरीर की गंदी वासना के लिए दे दिया, और दे वेंट आफ्टर स्ट्रेंज फ्लैश। आपको मालूम सदोम गमोरा के लोग, जो दो दूत उन्हें बचाने, लूत को बचाने के लिए गए 19 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में, वो उन स्वर्ग दूतों के संग भी जनाकारी करना चाहते थे, सेक्सुअल इमोरालिटी करना चाहते थे। तो क्या लिखा वचन के अंदर, ये अधर्म करते थे,
जनाकारी, हरामकारी, होमोसेक्सुअलिटी, लिस्बियन, हर तरह का गंदा शारीरिक काम कर रहे थे ये दो शहर। तो प्रभु यहोवा ने क्या किया, स्वर्ग से आग भेज के इन दोनों शहरों का विनाश कर दिया। दौड़ शुरू की लेकिन अच्छी दौड़ खत्म नहीं की। यहूदा दो बातें लिख रहा है। यहूदा बता रहा है झूठे सेवक, झूठे प्रचारक, झूठे नबी, उनके विषय में बताता है कि तुम उन्हें कैसे पहचानोगे, वो अनगॉडली हैं, अधर्मी हैं, ड्रीमर हैं, ख्वाब देखते हैं, अपने आप को अपवित्र करते हैं, रियलिटी से, सच्चाई से उनका कोई संबंध नहीं है, वो ब्लेमिश हैं, धब्बे हैं, धब्बे। और 12 वचन में बताता है वो बादल तो हैं पर उनके अंदर पानी नहीं है, वो दो बार जड़ से उखाड़े हुए वृक्ष हैं जिन्हें कोई फल नहीं लगता, और वो समुंदर की उफनती हुई लहरें हैं, और वो भटकने वाले तारे हैं। केवल दिखावा है लेकिन वास्तविक पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। बहुत शोर शराबा है कई चर्चेस के अंदर, कई सेवकाइयों के अंदर बहुत शोर शराबा है, जोर जोर ढोल ड्रम और बहुत जोर जोर वाले गाने हैं, प्रस्तिश है, लेकिन यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। भाई और बहनों, यहूदा लिख रहा है अंत के दिनों में झूठी शिक्षा एक ऐसी प्रैक्टिस खड़ी कर देगी जिसमें लोग परमेश्वर के कलाम की सच्चाई से दूर चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, प्रेरित पौलुस कहता है तिमोथियस को जब पत्री लिखता है कि अंत के दिनों में बहुत तेरे विश्वास से गिर जाएंगे और भरमाने वाली रूहें और बदरुओं की शिक्षा के ऊपर ध्यान लगाएंगे। मैं बदरुओं की शिक्षा, जिसे ग्रीक भाषा में डिडास्किलिया डायमोनियन कहा गया है, और भरमाने वाली रूहें, भरमाने वाली आत्माएं, सिड्यूस करने वाली स्पिरिट, प्लेनोनुमा ग्रीक भाषा का शब्द है, इनके ऊपर हम फिर सेशन करेंगे और गहराई से परमेश्वर के कलाम को देखेंगे, जांचेंगे और अपने जीवनों को परखेंगे। भाई और बहनों, आप सब इस दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाए गए हो। यीशु मसीह की ओर अपनी आंख लगा के आपको रोज प्रतिदिन सकरे फाटक में से घुसना है, तंग पथ पे चलना है, अपना शरीर शरीर की वासनाओं को क्रूस पे चढ़ाना है और खुद इनकारी का जीवन जीना है प्रभु के लिए। हालेलुया। एक पवित्र धर्मी जीवन, एक चमकता हुआ जलाली जीवन प्रभु के लिए जीना है। हालेलुया। वचन में लिखा है जो व्यक्ति पीछे मुड़ जाएगा उससे मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा, जो आगे निशाने की ओर बढ़ेगा उससे यहोवा प्रसन्न होगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु, यहूदा की पत्री के ये गहरे वचन तेरे लोगों की दिल की तख्तियों पे लिखे जाएं और तेरे लोगों का जीवन रूपांतर करे और तेरे लोगों को एक जलाली तेजस्वी दुल्हन के रूप में तेरे आगे पेश करें। तेरे लहू को मैं छिड़कता हूँ यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में ये प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। शालोम। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे। फिर और बाइबल अध्ययन के साथ हम आपके बीच में पेश होंगे। खुदावंद बरकत दे। जय मसीह की। जय।